भाजपा नेता संजय जायसवाल का कहना है कि उनकी पार्टी राजद उम्मीदवारों के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है। याचिका में गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की जाएगी। बताते चले कि बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। शुक्रवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में चिराग पासवान जो है भाजपा प्रत्याशियों के लिए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रचार करेंगे। वहीं संजय जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि जिन दलों ने हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है उन सभी सहयोगी दलों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव में भी हमारा समर्थन किया था। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी राजद उम्मीदवार के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है। याचिका में गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की जाएगी। इससे पहले भाजपा की ओर से चुनाव आयोग जो है उसको लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया था। भाजपा का आरोप है कि राजद प्रत्याशी जो है मोहन प्रसाद गुप्ता झारखंड में उनके खिलाफ दर्ज शराब तस्करी के एक मामले में जो है संबंधित जानकारी छुपाई जा रही है, जिसको लेकर संजय जायसवाल ने कहा है कि उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया जाए, इसको लेकर हम आवाज उठाएंगे तो वहीं कोर्ट जाएंगे। जिसको लेकर संजय जायसवाल ने यह साफ कहा है कि चिराग पासवान भी जो है प्रचार प्रसार में हमारे साथ पहुंचेंगे। दोनों सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव है, चिराग पासवान उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने जो है पहुंचेंगे। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी राजद उम्मीदवार जो है मोहन प्रसाद गुप्ता उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है। याचिका में गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द किया जाए, ऐसा हम मांग करते हैं और मांग करेंगे। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार की सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर है, तो वहीं अब जाकर जिस तरीके से 2 सीटों पर बिहार विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर लगातार तमाम पार्टियों की नजर है। तो वहीं बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है राजद के प्रत्याशियों पर लगा रही है। तो वहीं महागठबंधन के प्रत्याशियों पर जो है लगातार आरोप लगा रही है। चिराग पासवान जो है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर तक जो है चुनाव प्रचार करने जो है पहुंचेंगे मोकामा और गोपालगंज। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से संजय जायसवाल ने तमाम बातें कही है। संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि कोर्ट जाएंगे और जो नामांकन है वो दर्ज करने की मांग करेंगे, तो वहीं नामांकन जो है खारिज करने की मांग करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।